आगरा में विधान परिषद स्नातक और खंड शिक्षक सीट के मतदान की लगभग तैयारी पूरी। कुछ ही देर में स्नातक व खंड शिक्षक का मतदान होगा शुरू। आगरा शिक्षक के लिए बनाए गए 28 मतदेय स्थल, स्नातक सीट के लिए 56 बनाए गए मतदेय स्थल। 5 बूथों पर होगी वेबकास्टिंग। सभी बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर कर वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मतदान कर्मी को करना होगा कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन। आगरा में शिक्षक के लिए 7,920 मतदाता, स्नातक सीट के लिए 30,807। आगरा में है कुल 84 मतदेय स्थल, इनको 27 सेक्टर और 11 जोन में बांटा गया। 60 दरोगा, 386 सिपाही, पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट रहेंगे मौजूद। मैं आशीष पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। एक्चुअल में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है हमारा जो कि विधान परिषद है, और एक नीचे सदन होता है वो विधानसभा है। कोई भी अगर विधेयक अगर पारित करवाना है या विकास के लिए कोई भी काम करवाना है तो दोनों सदन में होना जरूरी है। और शहर का या प्रदेश का विकास जब भी संभव है जब कोई कानून बने, और अगर हमें अपनी सरकार को मजबूत करना है तो हमें विधान परिषद में भी अपना पूरा बहुमत चाहिए। मेरा मुद्दा एक मुद्दा है पुरानी पेंशन। हम पुरानी पेंशन को लेकर संघर्षरत हैं, और शिक्षकों को मानदेय जो बेहतरीन शिक्षक हैं उनको मानदेय दिलाने के लिए, साथ ही जो हमारे मेडिकल की सुविधा जो हमारे टीचर्स को नहीं मिल रही है माध्यमिक शिक्षकों को, उन सबको मांग दिलाने के लिए इन तीन मुद्दों को विशेष रूप से लेकर मैं मतदान करने के लिए आया हूँ। मैं इस निर्वाचन में शिक्षक MLC प्रत्याशी रवि कुमार सोनी मेरा नाम है, 13 नंबर पर मैं अंकित हूँ। मेरा एक युवा प्रत्याशी ही चाहता है, जो पुराने लोग हैं जो 70 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, चलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, वो MLC बनकर क्या करेंगे। हमारी मांग तो उनकी समझ में आती नहीं है, हमें क्या परेशानी हो रही है। जब एक टीचर रिटायर्ड होता है 70,000 उसे मिलते हैं और 700 रुपये उसे पेंशन मिलती है, तो जीवन यापन क्या कैसे करेगा। ये सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ रही हैं। हम नए पेंशन में आते हैं इसलिए हम झेल नहीं, हम देख रहे हैं उसको, इसलिए हम संघर्ष करते हैं। करण सिंह धाकड़। करण सिंह, ये बताइए आज MLC का मतदान हो रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं शिक्षकों के सामने, क्या क्या किस तरीके से आप चुनाव करने वोटिंग करने जा रहे हैं? ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, बौद्धिक स्तर का चुनाव है, प्रबुद्ध जनों का चुनाव है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियाँ हैं ये वो भी अच्छी तरह समझती हैं कि बौद्धिक स्तर का चुनाव है, इसलिए यहाँ पर लोकल मुद्दे काम नहीं करते हैं। यह मुद्दे काम करते हैं देश में क्या हो रहा है, यह मुद्दे काम करते हैं बुद्धिमत्ता के, यह मुद्दे काम करते हैं बौद्धिक स्तर के, यह मुद्दे काम करते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी समस्या को, यह मुद्दे काम करते हैं बेरोजगारी के, यह मुद्दे काम करते हैं जो पढ़ा लिखा है शिक्षक वर्ग है कर्मचारी वर्ग है उनकी पेंशन का मुद्दा काम करता है, उनके मेडिकल का मुद्दा काम करता है, उनकी तमाम समस्याएं जो कि उनकी नौकरी के समय रहती है वो मुद्दा काम करता है। और उसी मुद्दे को निभाने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के संगठनों का दबदबा इन चुनावों में अक्सर बना रहता है, और इस चुनाव में भी संगठनों ने अपने अपने दावेदार प्रत्याशी खड़े करे गए जो कि राजनीतिक रूप से शून्य होते हुए भी कर्मचारी शिक्षकों की पेंशन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने उनके मेडिकल के लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने स्वास्थ्य के लिए संघर्ष किया है, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष किया है, तो अब ये मतदाता उनके संघर्षों का जवाब राजनीतिक गतिविधियों से ऊपर उठकर अपने समस्याओं के लिए, अपने शिक्षक समस्याओं के लिए, अपने मेडिकल के लिए, अपने रोजगार बेरोजगार पुरानी पेंशन सबके लिए मतदान मतदाता करेगा। क्या है इस समय माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी सरकार, ये जो चुनाव है कायदे को देख रहे हैं कि पर्सनली चुनाव मान रहे हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम विधानसभा में तो हमारा पूर्ण बहुमत है और विधान परिषद में हमारा बहुमत न होने का हम लोगों ने ये कंप्लेट अब किसे उतारे। साथ में कुछ ऐसे बिल्स हैं जो हमें पास कराने ही कराने, मतलब जनता के प्रति मान लीजिए कि हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारी। पहले तो मैंने पहली बार अपना खंड स्नातक के लिए अपना वोट दिया है, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपना राष्ट्रीय कृति अपने मत का प्रयोग किया है। दूसरा, ये खंड स्नातक का जो चुनाव है वो लोकल मुद्दे जैसे खंड स्नातक इनके जो विधायक चुने जाते हैं उनके लिए रोजगार बेरोजगारी से लेकर मुद्दे शिक्षा से संबंधित मुद्दे होते हैं वो सदन में उठाए जाते हैं ताकि सरकार की संज्ञान में वो आए, उनका और बेरोजगारी संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो इनके द्वारा उठाई जाती हैं और उनका संज्ञान सरकार लेती है और उन पर कार्रवाई। ठीक। आपने आज ये मतदान किया है, किन बातों को ध्यान रखना? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं स्नातक हूँ और मैंने अपना वोट दिया है, मुझे अच्छा लगा। आपने जैसे वोट दिया है तो क्या क्या मुद्दे थे आपके विचार में, किस तरह का? मुझे इस बात का सबसे अच्छा है कि पढ़े लिखे होने का एक गर्व है कि हमें पढ़ी लिखी नारी हूँ और सबको आगे आना। शिक्षक
मैंने अपना वोट इस वजह से दिया है कि जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर किया जाए इनके जरिए, और भी अन्य मुद्दे हैं। मूलभूत समस्या क्या रहती है अध्यापकों की, किन समस्याओं को लेकर के आपने वोट? समस्या एक तो वित्तविहीन से मैं हूँ, तो वित्तविहीन की शिक्षकों की समस्या बहुत ज़्यादा है कि उनकी सैलरी इतनी वो नहीं होती है, फिर उनकी आजीविका भी और कोई जरिया नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है कि वित्तविहीन शिक्षकों की तरफ भी ध्यान दें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।